हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 11th का टॉपिक, वो है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर में आज हम डिस्कशन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। हमने दो वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी जो हम निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर कोई हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और वी वेक्टर, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या बता रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ए वेक्टर है, दो वी वेक्टर है, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक नया वेक्टर आएगा वो भी वेक्टर ही होगा और उसकी भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एन कैप क्या बता रहा है कि जब ए क्रॉस बी करेंगे, एक नया वेक्टर आएगा, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इन दोनों वेक्टर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मीन्स दोनों की के नॉर्मल होगी। समझ में आ रहा ना, मान लेते हैं इसका आ गया ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं। ठीक है, एक मिनट इसको पेन लाके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं। ठीक है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। ठीक, दो वेक्टर हमारे पास हैं, ये तो टिक ही नहीं रहा है, चलो हमारे पास दो वेक्टर हैं। ठीक है, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये इस वेक्टर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इस वेक्टर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो इन दोनों के क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। ये 3D में नहीं, इस वजह से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यानी जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर जो है, ठीक है, ए क्रॉस बी जो है, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है एंड वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। ठीक, यहाँ पर तो समझ में आया, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर एक वी वेक्टर, जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप। एन कैप बेसिकली रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर एक आएगा, ठीक है, उसकी भी एक डायरेक्शन होगी। ठीक, उसकी भी डायरेक्शन होगी, तो वी डायरेक्शन जो होगी वो दोनों वेक्टर के क्या होगी, नॉर्मल होगी, या दोनों वेक्टर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक, इसके बाद डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो मेथड्स हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। सबसे पहला राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है मैक्सवेल स्क्रू रूल। एक एक करके दोनों डिस्कशन कर लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल कैसे करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल में देखिए, कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करेंगे, हम वेक्टर ए से वी की तरफ अपनी फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे।
ये यही सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट हमने मैग्नेटिक फील्ड में भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये है मैथमेटिकल टूल की हेल्प, ठीक है। तो अगर हम ए से बी की तरफ अपनी फिंगर क्या करें, कर्ल करेंगे, तो जो थंब होगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मान लेते ए पे रखे, ए से हम बी पे क्या करें, फिंगर को कर्ल करेंगे, तो ये थंब होगा, ये किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर जो ए क्रॉस बी होगा, ये ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। समझ में आया? अगर ये ए हम इधर ले लेते, ए ये है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अब ए से बी की तरफ आएंगे, ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे, तो थंब क्या हो जाएगा, यहाँ इनवर्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देख लेते, दूसरा जो है मैक्सवेल स्क्रू रूल्स क्या है, ये भी हमने क्लास 12th में डिस्कस कर रखा है। मैक्सवेल स्क्रू रूल, तो मैक्सवेल कोई प्लेयर नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है। अब मैक्सवेल स्क्रू रूल देख लेते हैं, ये क्या है, ये बेसिकली राइट हैंड थंब रूल है, ये जो है ये राइट हैंड थंब रूल है। इसमें क्या करते हैं, हम ए से बी की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करते हैं, जो थंब होगा वो डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी का। अब मैक्सवेल स्क्रू रूल लिख लेते हैं, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, हम उनके पास एक वेक्टर ए है, हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर वी है, इसका भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, आपस में मीट कर रहे हैं, वहाँ पर हमने क्या लिखा, एक स्क्रू रखा और उसको हम ए से बी की तरफ घुमाएंगे, ठीक है। जब ए के बी की तरफ घुमाएंगे तो हमें इधर से इधर जाना पड़ेगा, अब जब इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा स्क्रू क्या होगा, आउटवर्ड आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड। इसको भी आप फिर से देख लीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर वी, ठीक है, हमने जहाँ पर दोनों वेक्टर मीट कर रहा है यहाँ पर रखे एक स्क्रू, और ए से वी की तरफ हमें क्या करना है, मूव करना है। तो ए की वी ए से वी की तरफ कब जा सकते हैं, जब इसको हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूव करें, यानी यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करें, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में स्क्रू को मूव कराएंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर आने लगेगा, स्क्रू बाहर। अगर ये वेक्टर ए होता, ठीक है, अगर ये वेक्टर ए होता और ये वेक्टर वी होता, तो हम वेक्टर ए से वी की तरफ आते, ठीक है, वेक्टर ए से वी की तरफ आते तो स्क्रू क्या करेंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में स्क्रू अंदर जाएगा, ठीक। अब यहाँ प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज कैसे, प्रॉपर्टीज किसकी, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, अगर ए क्रॉस बी करेंगे, अगर ये वेक्टर है, ठीक है, और इसका कम्यूटेटिव करेंगे तो नेगेटिव हो जाता है, यानी माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा, अगर ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी, तो इसको अगर करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा कहीं दिया हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी कर दें प्लस ए क्रॉस सी कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास ये है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो वैल्यू बड़ा अजीब सा दिखेगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 डिग्री एन कैप, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी ए क्रॉस बी कितनी आएगी, 0, और जैसे ही 180 रखेंगे तो वहाँ भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। फोर्थ देख लेते हैं,
फोर देख लेते हैं, ए क्रॉस ए अगर करें, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करें, तो दोनों के बीच में ए क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, एंगल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक, दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, फिफ्थ वाले प्रॉपर्टीज़ क्या है, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इक्वल्स टू जे वेक्टर जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के, इसकी वैल्यू क्या है, आई आई के साथ जीरो एंगल बनाएगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो। लेकिन यहाँ अच्छी बात यहाँ पता चलेगा, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के और यहाँ पर देते हैं आई जे के, यहाँ साइक्लिक में चल रहे हैं, ठीक है। अगर आई जे करेंगे तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसके क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, होगा कि नहीं, कोई ए वेक्टर है कोई वी वेक्टर, दोनों का क्रॉस करेंगे तो एक परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो आई जे 3D में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों आपस में क्या होते हैं, पर तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये तीनों आपस में जो 3D में होते हैं, जो कार्टेशियन प्लेन होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक। तो आई अगर आई और जे करेंगे, ठीक है, आई और जे करेंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, के कैप हो जाएगी। अगर जे क्रॉस के करें, ठीक है, अगर यहाँ पर आई क्रॉस जे करें या फिर जे क्रॉस के करें, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, जे क्रॉस के आई के इक्वल, ठीक। और अगर के क्रॉस आई करें, के क्रॉस आई करें, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, अगर हाँ आप यहाँ जे क्रॉस आई कर रहे हैं, ठीक है, यानी जे क्रॉस आई करेंगे, ठीक, जे क्रॉस आई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे से आई की तरफ आएंगे तो फिंगर ये अंदर चला जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, अगर जे क्रॉस आई करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ के, ठीक है। वैसे यहाँ भी अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज में लिया है, तो आई जे क्रॉस करेंगे तो के आएगा, जे के करेंगे तो आई आएगा, और के आई करेंगे तो जे आएगा, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। अब और अच्छी चीज़ें देख लेते हैं, ये 6 प्रॉपर्टीज़ हो गई, 7 प्रॉपर्टीज़ पे अब हम आते हैं, ठीक है। 7th प्रॉपर्टीज़, 7th प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर कोई वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, मान लेते हैं ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ठीक, कोई वेक्टर ए दिया हुआ है जिसकी जिसके सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एक्सिस पे कितना है, आई कैप क्या बना रहा है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। हम एक्स डायरेक्शन में आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वी डायरेक्शन में जे कैप, एंड सॉरी एक्स डायरेक्शन में हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई डायरेक्शन में हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जेड डायरेक्शन में हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, और आई जी के कैप है वो यूनिट वेक्टर है किसके अलॉन्ग, एक्स एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। और बी क्या है, बी इक्वल्स टू ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। अब जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कैसे करेंगे, अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ मैट्रिक्स की आपको आने चाहिए, ये देखिए। अब यहाँ ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ पर आई जे एंड के, आई जे के को आप लिख लीजिए। अब इसके नीचे क्या करेंगे, आई वाला जो है ये है बेसिकली मैग्नीट्यूड, तो ए वन, उसके बाद ये जे के नीचे
बी वन, यहाँ पर सी वन, यहाँ पर ए टू, यहाँ पर बी टू, यहाँ पर सी टू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर हम आई को अगर लेंगे, ठीक है, आई को लेंगे, आई कैप, तो इसके रो और इसके कॉलम, ये रो है, ये बेसिकली क्या है, ये रो है और ये क्या है, कॉलम, ठीक है, ये क्या है, कॉलम, ये रो, ये कॉलम, ठीक है। तो अगर हमने आई को लिया तो आई के रो को और आई के कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा क्या है, बी वन सी वन और बी टू सी टू, ठीक। अब सेकंड वाले पे यहाँ पॉजिटिव आई रहता है, यहाँ पर नेगेटिव जे कैप, यहाँ पर नेगेटिव रहता है, ठीक है, नेगेटिव जे कैप करेंगे तो इसके रो, इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए वन सी वन, नीचे क्या हो जाएगा, ए टू सी टू। अब यहाँ पर पॉजिटिव में क्या करेंगे, के कैप करेंगे, तो यहाँ पर इसके कॉलम और इसके रो को जब छोड़ेंगे तो ए वन बी वन और ए टू बी टू, ए वन बी वन ए टू बी टू। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आई कैप इज टू, इसको क्रॉस कर देंगे, इसका इसका माइनस इसका इसका, ठीक है। तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन माइनस जे कैप ए वन सी टू, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन प्लस के कैप, इसको के कैप में क्या करेंगे, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, यही बेसिकली करेंगे। अब इसी का जो जो वैल्यू यहाँ पर होगी, और ये जो वैल्यू होगी वो आई जे के टर्म्स में आएगी, ठीक है, आई जे के टर्म्स में आएगी। आई जे के जो होगा, जो ए क्रॉस बी आएगा, जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, कल की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वेक्टर के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।